हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी को कोई फंक्शन शो कर रहा है या नहीं, इसको बिल्कुल पक्का करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है। तो हम आज उस नेसेसरी कंडीशन को ही जानने वाले हैं कि आखिर वो ऐसी क्या नेसेसरी कंडीशन है जो हमें ये पता करवा देती है कि क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जिसको आप आईटी पे देख सकते हैं। अब आज हम सीखने वाले हैं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो वो नेसेसरी कंडीशन काफ़ी वेल नोन है, वो होती है हमारी कॉशी रीमान इक्वेशन, यानी कि CR इक्वेशन शॉर्ट में हम कह देते हैं। तो आज हम उस CR इक्वेशन को ही सीखने वाले हैं कि आखिर ये CR इक्वेशन होती क्या है। अब CR इक्वेशन को देखना है तो हमें, जैसा कि पता है, हम किसी भी चीज़ की एक बेसिक बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, कोई फंक्शन चाहिए। अब वो फंक्शन क्या, उस फंक्शन कोई डोमेन पे होगा, डोमेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है हम, तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। अब कोई पॉइंट चाहिए जो उस फंक्शन डोमेन के इंटीरियर में होना चाहिए, और उसी डोमेन के इंटीरियर पॉइंट पर हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना शुरू करते हैं। तो यानी कि अगर उस फंक्शन, वो जो फंक्शन है, अगर उस पॉइंट के अंदर हमारा एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और क्योंकि फंक्शन हम एक्स वाई ही के ही लेते हैं, जेड एक्स वाई, कोई भी फंक्शन जो होता है जेड बराबर, क्योंकि एक्स प्लस आई वाई होता है, सो फंक्शन जो होता है वो एक्स और वाई में ही होता है। तो अब इसमें और कैसे होता है वो देखते हैं। तो क्या होना चाहिए, हम कहेंगे कि इफ़ फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, भूमिका वही है कि फंक्शन डिफरेंशियबल की नेसेसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं, यानी कि कोई फंक्शन है, कोई इंटीरियर पॉइंट है, वहाँ पे वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इफ़ तो फंक्शन एक्स और वाई में होता है, तो क्या होना चाहिए, उसका एक्स पर डेरिवेटिव, वाई पर डेरिवेटिव, वी, क्योंकि यू प्लस आयोटा वी होता है हमारा जेड इक्वल टू, तो सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू, तो उसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन, रियल पार्ट होता है हमारा u, वैसे ही इमेजिनरी पार्ट का भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन एग्जिस्ट करना चाहिए उसी पॉइंट z नॉट पर। और दूसरी कंडीशन क्या होती है CR इक्वेशन की, कि u यानी कि रियल पार्ट का x के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसीशन होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन के, और रियल पार्ट का y के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसीशन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए माइनस के साइन के साथ में इमेजिनरी पार्ट के x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन के। तो इसको शॉर्ट में जल्दी से ऐसे करके याद रखते थे, यानी कि यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स, यानी कि यहाँ x है तो उधर y, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे x, और विद माइनस के साइन के साथ में। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन भी ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करे ना, तभी तो ये सेकंड कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल होने की कुछ संभावना पॉसिबिलिटी रखते हों। तो उसके लिए पहली कंडीशन तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो एग्जिस्ट तो करने चाहिए ना एटलीस्ट, उसके बाद हम वो बराबर होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, तो वो हम बाद में ऐसे देखते हैं। तो इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करा के देखना है, उससे पहले हमें ये देखना है कि अब एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं भैया वो कैसे होगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फंक्शन मैंने ले लिया एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई, ये हमारा एक्स और वाई में फंक्शन है। अब हम इस फंक्शन की रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में अलग 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 डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो जब रियल पार्ट कौन है यहाँ पे, ये, और इमेजिनरी पार्ट कौन है यहाँ पे, ये, यानी कि ये यू है और ये वी है, तो यू का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो इसका जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और जब हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू y, क्योंकि x का 0 और y का 2y। ये हम पार्शियली कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम इमेजिनरी पार्ट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट का जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 और y तो हमारा कांस्टेंट हो जाएंगे, और x का आएगा तो 1 आएगा, यानी कि 2y हमको मिलेगा।
अब जब हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हमारा एज अ कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम पार्शियली कर रहे हैं, और पार्शियली कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट होंगे, और वाई का क्या आ जाएगा 1। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। अब हमारा काम है उस कंडीशन को देखना। वो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है हमारी ux बराबर होना चाहिए vy के, और uy बराबर होना चाहिए माइनस के vx के। क्या ऐसा हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा ux है, ux कितना है हमारा 2x, और हमें दिख रहा है कि ये बराबर है हमारा vy के, यानी कि एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई है। दूसरी होती है uy, तो uy हमारा है यहाँ पे 2y, जो होना चाहिए vx, vx है हमारा यही, और अगर हम इसको माइनस के साथ ले लें तो सेम ही वैल्यू आने वाली, यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी CR इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो हमारा CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये तो बात तब थी जब फंक्शन जो था हमारा वो x और y में था। अब क्या हो अगर वही फंक्शन हमारा z में दे रखा हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि फंक्शन हमारा x और y में ही हो, z में भी हो सकता है, z की फॉर्म में। z का मीनिंग भी वही होता है x और y, लेकिन हम अगर फंक्शन z में है तो हम उसको खोल के और फिर उसको x और y के फॉर्म में ला के इतना बड़ा प्रोसेस तो नहीं करेंगे ना, तो कोई शॉर्टकट मेथड तो होना चाहिए जिससे कि हम डायरेक्टली z वाले फंक्शन को भी नेसेसरी कंडीशन के थ्रू बिल्कुल सेटिस्फाई कर सके कि हाँ ये वाला फंक्शन भी हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए भी एक कंडीशन होती है, यानी कि अगर फंक्शन z में है तब हम कह सकें कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसके लिए भी कोई कंडीशन होती है। और उसके लिए क्या कंडीशन होती है? वो जो फंक्शन है वो फंक्शन पार्शियली डिफरेंशिएबल होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू z बार के, और इक्वल टू आना चाहिए 0 के। यानी कि अगर कोई फंक्शन z बार के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएबल है और 0 के बराबर आ रहा है, तब हम कह देंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन, यानी कि ये कॉशी रीमान इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में फंक्शन हम z से डिनोट करते हैं। तो z की फॉर्म में हम कैसे यहाँ पे CR इक्वेशन को अप्लाई करें, वो ये तरीका होता है कि डेल f अपॉन डेल z बार इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम एक इसका एग्जांपल देखते हैं कि आखिर कैसे। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तो मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेती हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो है z बार ही, यानी कि जो फंक्शन है वो मैंने ले लिया z बार। तो अब इस फंक्शन का क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z बार। अगर हम डेल f अपॉन डेल जेड बार अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड बार तो वह ऑलरेडी है, पार्शली करना है, तो यानी कि यहाँ हमें मिल जाएगा 1, और जो हमें दिख रहा है कि भाई वो 0 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे जो जेड है फॉर एनी जेड वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को ही शो कर रहा है। यहाँ हमें डिफ्रेंसीशन करने पे पहला कि ये 0 के इक्वल तो नहीं है, यानी कि हम यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली और बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो डजंट सेटिस्फाई CR इक्वेशन, यानी कि जो फंक्शन है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो नो वेयर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन को ये पता करने की ये कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो ये नेसेसिटी यानी कि बिल्कुल आवश्यक बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो भाई डिफरेंशिएबल तो कहीं नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो ये था कुछ काम। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उस फंक्शन में क्या हो रहा है। तो मैं ले लेती हूँ सेकंड फंक्शन, मैंने ले लिया z बार का स्क्वायर अपॉन z जब z इक्वल टू 0 है, और 0 है जब z इक्वल टू नॉन जीरो है, और जब 0 है तो 0 है फंक्शन की वैल्यू। ये वाला फंक्शन क्या है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, चलिए देखते हैं। हम वही डिफरेंशिएशन करेंगे डेल एफ अपॉन जेड बार
इसी कंडीशन पे करेंगे जब फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डेल जेड बार, ये हमारा जेड बार है, जेड तो हमारा कांस्टेंट है, तो जेड बार का करेंगे तो हमें मिलेगा टू जेड बार अपॉन जेड। अब हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है। अब ज़ीरो के इक्वल है तभी कब हो सकता है, जब जेड बार की वैल्यू, अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखें तो हमें क्या मिलेगा, अगर जेड बार ज़ीरो के इक्वल हो तभी ये फंक्शन ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू तो बिल्कुल ज़ीरो दे रखी है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, जेड बार कोई ज़ीरो होना चाहिए, जो कि जनरली नहीं हो सकता। हम जेड बार को कैसे ज़ीरो ले सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, यानी कि नो वेयर डिफरेंशियल, ठीक है, ये फंक्शन ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यानी कि ये डिफरेंशियबल भी नहीं है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए से टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जहाँ तक स्टार्ट करेंगे अपना एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो पढ़ने में मज़ा आएगा, और कॉम्प्लेक्स को सीखने के सफ़र में हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, हमारे पास अब बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, उसकी नेसेसरी कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, तो अब हमारे लिए चीज़ें थोड़ा सा आसान रहेंगी। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।